बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों काफी लाइमलाइट में हैं। पति राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफिक केस में गिरफ्तार होने के बाद शिल्पा शेट्टी ने काफी कुछ झेला है। हालांकि अब शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी को 1,36,00,000 रुपए की ठगी मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर आयोसिस वेलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी और घटिया सामान देने का मुकदमा लखनऊ के विभूतिखंड थाने में बीते साल 2020 में दर्ज हुआ था। लखनऊ पुलिस ने जाँच के बाद इस मामले से शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ का नाम हटा दिया है। बता दें कि गोमती नगर निवासी जोशना सिंह ने विभूति खंड थाने में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनकी मां सुनंदा शेट्टी, शिल्पा की मैनेजर किरण बावा समेत कई लोगों पर केस दर्ज कराया था। हालांकि कंपनी की डायरेक्टर और शिल्पा शेट्टी की सहयोगी रही किरण बावा को अभी इस केस में राहत नहीं मिली है। किरण बावा समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बता दें कि इस मामले की जांच विभूति खंड थाने से की जा रही थी, लेकिन जांच में लापरवाही के चलते इसकी जांच चिनहट थाने में ट्रांसफर कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रहे दरोगा अजय शुक्ला ने बताया कि 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ठगी होने से पहले ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ सुनंदा शेट्टी ने इस कंपनी को छोड़ दिया था। उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई भी सबूत नहीं मिला। पीड़िता की ओर से कहा गया था कि उनकी संलिप्तता है, जिसके चलते शिल्पा शेट्टी को 11 अगस्त को नोटिस भेजा गया था। इस मामले में ओमेक्स हाइट्स निवासी पीड़िता ज्योत्सा ने 3 नामजद लोगों पर IPC की धारा 406, 420, 506 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुख्य आरोपी विनय भसीन, अनामिका चतुर्वेदी, इशरिफल धर्मजा वाला, नवनीत कौर सुजलाना, आशा और पूनम झा थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।